मैं शिवानी पॉपुलर न्यूज पर आपका स्वागत करती हूं। आइए चलते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। अंबेडकर विकास समिति, भीम सेना एवं क्षेत्रीय दलित संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में कन्नौई पार्क कुचामन सिटी में बाबा साहब की भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित कर डॉक्टर अंबेडकर साहब की 131वीं जयंती समारोह पूर्वक भव्यता से मनाई गई। कार्यक्रम में शहर के प्रबुद्ध जनों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। संदेश आज के दिन आप देंगे? संविधान निर्माता एवं भारत रत्न और विश्व रत्न कहूँगा मैं, उनकी 131वीं जयंती आज कुचामन में अंबेडकर विकास समिति और भीमसेना सहित सभी अंबेडकरवादी संगठनों के तत्वाधान में मनाई गई। आज का जो दिन है ये बाबा साहब के कर्तित्व और व्यक्तित्व पर हमें अमल करने का है, तो हम सब ने आज सभी को समाज को ये संदेश दिया है कि बाबा साहब ने दबे कुचले समाज के लिए अपने समय में जितना जो कुछ किया उसको हम हमारे जीवन में आत्मसात करें, यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि हो। उदयपुर जिले के नाई थाना क्षेत्र के नांदेश्वर में बड़ा हादसा सामने आया है। नांदेश्वर मोड़ पर सवारियों से भरी एक पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर 10 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पिकअप में करीब 20 से 22 लोग सवार थे, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी थी। आपको एसपी साहब और पोस्टवाल साहब ने जैसा बताया कि डिटेल में बताया जा चुका है, 18 ये कुल महिलाएं बच्चे और व्यस्त है, जिसमें से 5 की डेथ हुई है और 13 अभी घायल है, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है और सभी को आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा है। घायलों की स्थिति में 2 जो घायल है उनकी स्थिति थोड़ी क्रिटिकल है, बाकी स्थिति कंपेरेटिवली ठीक है। प्राइम एफएसिया तो अभी डिटेल में तो देखा जाएगा, लेकिन प्राइम एफएसिया जो ड्राइवर है उसमें लापरवाही से गाड़ी चलाना ऐसा प्रतीत होता है, जिससे कि गाड़ी खाई में गई।
ओवरलोड पिकअप में पर्याप्त जगह थी, वैसे ओवरलोड जैसी चीज़ तो अभी प्रथम दृष्टया नज़र नहीं आती है, क्योंकि ड्राइवर ने वाहन का जो चालक था वो प्रॉपरली नहीं चला पाया, इसलिए दुर्घटना कर दी। गुरुवार को रामसेनी वाटिका परिसर में विजन इंडिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। धर्म गुरुओं, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, जिला कलेक्टर आशीष मोदी व जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विधिवत रूप से रक्तदान शिविर का शुभारम्भ किया गया। राजस्व मंत्री, जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने शिविर में रक्तदान करने वाले युवा व आमजन का हौसला अफजाई की। जी, आज विजन इंडिया फाउंडेशन के साथ रामसेनी फाउंडेशन जो है उनके साथ शुरू कर गई, जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये एक बहुत ही पुनित कार्य है और मैं समझता हूँ कि एक ऐसा यूनिक वर्क है जो कि राजस्थान में केवल भीलवाड़ा ज़िले में इतने बृहद स्तर पर हो रहा है, और इसी का परिणाम है कि आज पूरे भीलवाड़ा ज़िले में कहीं भी किसी भी अस्पताल में ब्लड की कोई शॉर्टेज नहीं है, और यदि कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भी पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की, तो वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसके लिए मैं सभी आयोजकों को, माननीय मंत्री महोदय को, सभी संतों को और संस्थान के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी हर वर्ष की भांति इस बार भी 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर जी जो संविधान निर्माता है उनके आज के दिन के ऊपर भीलवाड़ा विजन इंडिया सोसाइटी के माध्यम से ब्लड डोनेशन का जो काम है, कोविड की वजह से कुछ थोड़ी शिथिलता थी, ग्रामीण एरिया में थोड़ी थोड़ी मात्रा में कर रहे थे, लेकिन भीलवाड़ा में ब्लड की मांग को देखते हुए हमने जो विजन इंडिया संस्था ने जो निर्णय ले रखा, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती का, 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर, ये बहुत बड़ा मेगा ब्लड कैंप है, इसके माध्यम से आज हुआ थी। सभी संत महात्माओं और जिला पुलिस, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, CMHO साहब, PMO साहब, सारे अधिकारी, यहाँ जिले के नौजवान, जितने भी धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी लोग हमारे विजन इंडिया संस्था में ब्लड डोनेशन का काम कर रहे हैं। ये संस्था केवल यही नहीं, राजस्थान सरकार की यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी इस ब्लड कैंप में शरीक होकर गए हैं, और इसके अलावा हमने इसको नॉन पॉलिटिकल रख रखा है, जो आप खुद देखते हो इस चीज़ को। DR मेहता संस्थान जैन समाज की के माध्यम से हमने पहले इसी संस्था से इस जिले के विकलांग, जितने भी जिनके पैर नहीं, हाथ नहीं, उन लोगों की यहाँ मेगा 7 दिन का शिविर लगा के मंडल में कैंप लगाया था। संस्था समाज कल्याण के काम करती है, राजस्थान सरकार के सहयोग से भी और कई भामाशाहों के सहयोग से इस संस्था का हमने संचालन कर रखा है। इसमें कोई भी आदमी कहीं पे भी हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर भी ब्लड की जो डिमांड होती है, तो ये संस्था हमारे सचिव भाई शंकर गाड़ी, हमारे अध्यक्ष ओम नारायणीवाल साहब और हमारे भाई शांतिलाल पाड़िया जी मिलकर इसको चलाते हैं, कई मेंबर्स हैं, बहुत अच्छा काम इस संस्था। सर, लगभग कितने यूनिट का लक्ष्य रखा है?
लक्ष्य देखो आप हर बार देख रहे हो, हमने इसकी शुरुआत की थी जब कई 100 यूनिट से शुरुआत हुई, जो 2000 यूनिट तक पहुंच चुका है। तो ये तो डोनेशन है, इसमें कोई लक्ष्य नहीं होता है, जितने लोग आते हैं बढ़ते रहते हैं, लगभग 1000 से ऊपर ही आएंगे मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। ऐसी भीषण गर्मी को देखते हुए जो युवाओं में जो जोश है, क्योंकि मैंने इस विजन इंडिया संस्था के माध्यम से मैंने गाँव में भी अलग अलग कैंप करवाए हैं, तो गाँव में इतनी जागृति हो गई, केवल टारगेट ही नहीं, आज हर आदमी अपने परिवार को ब्लड देने के लिए मोटिवेशन इस संस्था के माध्यम से हुआ, एक बड़ा काम इस भीलवाड़ा ज़िले के लिए हुआ और इससे जुड़ने वाले लोगों को और इसको सहयोग करने वाले लोगों को बहुत बड़ा फायदा हुआ। आज 14 अप्रैल विजन वेलफेयर हमारी सोसाइटी द्वारा 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती पर साल में 2 बार ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं और उसके अलावा मानवता सेवा के लिए विकलांग आके शिविर लगाते हैं। जिले में जो है ये विजन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो है इंडिया द्वारा जो है ये हमारी सेवा की जाती है। आज जितने भी ब्लड डोनेशन करने हमारे साथीगण पूरे ज़िले से जो आ रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूँ। इस आज 2 साल बाद कोरोना की वजह से कैंप नहीं लग पाए, लेकिन हमने दोनों जयंतियों पर यहाँ में अस्पतालों में भेज कर 100-100, 200-200 के कोरोना गाइडलाइन से जो है हमने दोनों जयंतियों पर डोनेशन तो किया, लेकिन अब 2 साल बाद जो है कि आज जो कैंप लगा है उसमें जनता में हमारे पूरे ज़िले की जनता में बहुत उत्साह है और लगभग 2000 यूनिट्स इसमें होंगे और अभी जो है 60 टीमें इसमें रक्तदान शिविर कर रही है, 2 जयपुर से है, 2 उदयपुर से है और 3 भीलवाड़ा की टीमें इसमें रक्तदान शिविर कर रही है। और जितने भी साथीगण मीडियाओं को हमारे संतों द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है और कलेक्टर साहब और एस पी साहब इसमें पधार कर उन्होंने सुपारिश किया, जितने भी रक्तदाता हमारे जो इस शिविर में जो रक्तदान कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है सर। शाहपुरा क्षेत्र के तहनाल ग्राम पंचायत के गोपालपुरा में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के साथ कुछ ऐसा किया कि आप सोच कर सकते में आ जाएंगे। जानकारी के अनुसार बीती शाम गोपालपुरा निवासी सांवरलाल पिता लादूलाल अपने घर के बाहर बैठा था। थोड़ी देर बाद बाइक लेकर सांवरलाल का दोस्त मोटरसाइकिल लेकर वहां पहुंचा और सांवर को तेजाजी के धोख लगाने की बोल कर ले गया। बीच रास्ते में एक युवक और सांवर के पीछे बैठ गया और ये लोग सांवर को तेजाजी के धोख लगाने ले जाने के बहाने गांव के बीड़ के जंगल में ले गए, जहां 2 युवक पहले से ही बैठे थे तथा 2-3 अन्य युवकों को फोन कर बुलाया। इसके बाद उन लोगों ने सांवर के साथ गाली गलौज की तथा लोहे की रॉड और प्लास्टिक के पाइप से बहरमी से मारपीट की तथा चाकू के कंधे पर वार किया, जिसे सांवर चिल्लाया गिड़गिड़ाया लेकिन एक नहीं सुनी। चाकू से वार को बचाने के चक्कर में सांवर अपने हाथ को बीच में लाया और हाथ पर चाकू से चोट लगी। कई देर तक बहरमी से पीटने के बाद अचेत अवस्था में युवक को पास ही खाई में फेंक गए। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के तत्वावधान में कांकरोली तेरापंथ महिला मंडल ने शिव उत्सव का आयोजन किया। मंडल में 4 दशक तक सेवा देने वाली महिला मंडल की बहनों ने भी समर्पिता गीत पर अनूठी एवं रोचक प्रस्तुति दी। शिव उत्सव में कांकरोली केलवा नाथ द्वारा राजनगर आदि निकटवर्ती क्षेत्र की बहनों ने स्टॉल्स लगाई। लगभग 30 स्टॉल में अलग अलग होममेड आइटम्स, हैंडमेड आइटम्स, कुर्ती साड़ियां, हैंडमेड ज्वेलरी आदि विभिन्न प्रकार की स्टॉल्स लगी।
महावीर जन्म कल्याण के पावन अवसर पर हर्षोल्लास के साथ सभी जैन बंधु माताएं बहने प्रातः 5:30 से 6:30 बजे तक विशाल प्रभात फेरी के भागी बने। संपूर्ण वातावरण महावीर के नारे एवं संदेशों से गुंजायमान हो गया। सभी जैन धर्म के अनुयायी सह परिवार सहित आए एवं जैन राष्ट्रीय गान के साथ अहिंसा भवन शास्त्री नगर में ध्वजारोहण संरक्षक हेमंत आचलिया द्वारा किया गया। सकल श्वेतांबर जैन समाज भीलवाड़ा द्वारा भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम संयोजक ज्ञान प्रकाश साखला, प्रचार प्रसार समिति के संयोजक मनीष बम्ब ने बताया कि महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत विभिन्न संघों के अध्यक्ष मंत्री के सानिध्य में प्रातः 5:30 से 6:30 बजे तक प्रभात फेरियां आयोजित हुई। तत्पश्चात प्रातः 7 से 8 तक भगवान महावीर स्वामी का भव्य अभिषेक हुआ। इतना ही कहना चाहूंगा कि भगवान महावीर ने हमें 3 पाठ पढ़ाए, 3 A's, 3 A's, जो हमें अक्सर बचपन में सत्संग के दौरान बताया जाता था, अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह। और जैसा कि अभी बताया गया, आप अगर वर्तमान में जीवन को एक बार पीछे मुड़ करके देखेंगे तो जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो इंटर कम्युनिटी क्लैशेस हो, इंटरनेशनल वॉर्स हो, या फिर अक्सर समाज में करप्शन के इश्यूज आते हैं, इनटॉलरेंस के इश्यूज आते हैं, हम एक दूसरे की बातों को सुन करके समझने के लिए तैयार नहीं होते, ऐसी कई बार स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अहिंसा, अनेकांत